सो सी हियर नेक्स्ट पार्ट क्या है देखो फेनरोगैम्स ओके तो प्लांट्स विच हैव स्पेशल स्ट्रक्चर फॉर रिप्रोडक्शन एंड प्रोड्यूस सीड्स आर कॉल्ड फेनरोगैम्स ओके इन दीज प्लांट्स आफ्टर द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन सीड्स आर फॉर्म्ड विच कंटेन्स द एम्ब्रायो एंड स्टोर्ड फूड ड्यूरिंग द जर्मिनेशन ऑफ द सीड द स्टोर्ड फूड इज यूज फॉर इनिशियल ग्रोथ ऑफ द एम्ब्रायो डिपेंडिंग अपॉन वेदर द सीड्स आर एनक्लोज्ड इन अ फ्रूट और नॉट फेनरोगैम्स आर क्लासिफाइड इन टू जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स फेनरोगैम्स में हम अभी देख रहे हैं फर्स्ट डिविजन जिम्नोस्पर्म्स सी जिम्नोस्पर्म्स आर मोस्टली एवरग्रीन पेरिनियल एंड वुडी तो ये प्लांट्स हमेशा एवरग्रीन रहते हैं और वुडी स्ट्रक्चर होता है उनका वुडी होते हैं ओके देयर स्टेम्स आर विदाउट ब्रांचेस उनके स्टेम्स क्या रहते हैं विदाउट ब्रांचेस रहते हैं इसको इन प्लांट्स को ब्रांचेस नहीं रहते द लीव्स फॉर्म अ क्राउन और उनके लीव्स का स्ट्रक्चर ऐसे रहता है कि लाइक अ क्राउन दीज प्लांट्स बियर मेल एंड फीमेल फ्लावर्स ऑन द डिफरेंट स्पोरोफिल्स ऑफ द सेम प्लांट सीड्स ऑफ दीज प्लांट्स डू नॉट हैव नेचुरल कवरिंग दैट इज दीज प्लांट्स डू नॉट फॉर्म फ्रूट एंड आर देयरफॉर कॉल्ड जिम्नोस्पर्म्स तो जिम्नोस मतलब क्या है नेक्ड एंड स्पर्म्स मीन्स सीड ओके तो इसके एग्जाम्पल्स है साइकस पीसिया पीसिया मतलब क्रिसमस ट्री थूजा जिसको मोर पंखी भी बोलते हैं और पाइनस मतलब क्या है देवदार ट्री सो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ जिम्नोस्पर्म्स सो सी हियर यहाँ पे जिम्नोस्पर्म्स साइकस का आपको क्या दिया है पिक्चर दिया है तो साइकस ये देखो इस ये स्ट्रक्चर जो है लीव्स का वो कैसे लाइक अ क्राउन है इनको ब्रांचेस नहीं होते और वो एवरग्रीन रहते हैं उड़ी स्ट्रक्चर होता है उनका दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द जिम्नोस्पर्म्स देखो डिविजन सेकेंड एंजियोस्पर्म्स तो एंजियोस्पर्म्स में क्या होता है देखो द फ्लावर्स दीज प्लांट्स बियर आर देयर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन फ्लावर्स डेवलप इन टू द फ्रूट एंड सीड्स आर फॉर्म्ड विद इन फ्रूट्स तो क्या होता है देखो फ्लावर्स डेवलप होने के बाद वो फ्रूट्स होते हैं दस दीज सीड्स आर कवर्ड और उसी कारण वो सीड्स क्या रहते हैं कवर्ड रहते हैंस दे आर कॉल्ड एंजियोस्पर्म्स एंजियोस मतलब क्या है उसका कवर है उसका मीनिंग और स्पर्म्स मीन्स सीड द प्लांट हूज सीड्स कैन बी डिवाइडेड इंटू टू इक्वल हॉल्स और डाइकोटिलीडर्न्स आर कॉल्ड डाइकोटिलीडर्नियस प्लांट्स एंड दोज हूज सीड्स कैन नॉट बी डिवाइडेड इंटू इक्वल पार्ट्स आर कॉल्ड मोनोकोटिलीडर्नियस प्लांट्स सो देखो डाइकोटिलीडर्नियस मतलब क्या जिनके जिनका सीड हम डिवाइड कर सकते हैं टू इक्वल हॉल्स में ओके उन्हें और जिनका नहीं कर सकते हैं उन्हें मोनोकोटिलीडर्न बोलते हैं सी हियर ऑन पेज नंबर 79 यहाँ पे आपको डिफरेंस बिटवीन दिया डाइकोटिलीडर्नियस प्लांट्स एंड मोनोकोटिलीडर्नियस प्लांट्स के बीच में देखो सीड इसका सीड कैसे होता है टू कोटिलीडर्न्स में होता है और ये सिंगल कोटिलीडर्न में होता है और यहाँ पे देखो रूट कैसे रहते हैं इनके वेल डेवलप रहते हैं प्राइमरी रूट रहता है टैप रूट जैसे इनका क्या होता है रूट होता है सी ईयर यहाँ पे ये मेन रूट है जिसे हम क्या बोलते हैं टैप रूट है ओके और उनके रूट्स वेल डेवलप रहते हैं वेयर एज मोनो कोटिलीडर्न्स में क्या रहता है देखो फाइबरस रूट्स रहते हैं लाइक दिस ओके नाउ नेक्स्ट स्टेम इनका स्टेम क्या होता है स्ट्रांग एंड हार्ड होता है एग्जाम्पल बेनियन ट्री ओके और यहाँ पे देखो इनका स्टेम कैसे रहता है हॉलो इन बाम्बू बाम्बू में क्या रहता है हॉलो रहता है बनाना ट्री में फॉल्स मतलब जैसे आभासी वी थिंक लाइक दैट मतलब आभासी टाइप का रहता है और अनियन में क्या होता है डिस्क लाइक मतलब यहाँ पे देखो लीफ क्या रहते हैं देखो रेटिकुलेट वेनिटेशन एंड यहाँ पे मतलब लीफ का जो वेनिटेशन मतलब उनके अंदर के जो वेनिटेशन रहते हैं लीफ में वो क्या रहते हैं रेटिकुलेट रहते हैं वेर एज मोनोकॉट में क्या रहते हैं पैरेलल रहते हैं पैरेलल वेनिटेशन फ्लावर्स कैसे रहते हैं देखो इनके फ्लावर्स विद द फोर और फाइव पार्ट्स और इन देयर मल्टीपल्स तो इसमें क्या रहता है देखो फोर और मतलब फ्लावर क्या रहते हैं देखो फोर या फाइव पार्ट्स में
और उनके मल्टीपल्स में रहते हैं इनके फ्लावर। वेयर एज मोनो में क्या रहता है, फ्लावर्स विद द थ्री पार्ट्स और इन मल्टीपल्स ऑफ थ्री। ओके, तो इसका